हाय फ्रेंड्स, आईटी लड़के लड़की चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फैराडे के लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो फैराडे के जो उसने इलेक्ट्रोलाइटिस के संबंधित दो नियम दिए हैं, ठीक है। तो पहला नियम हम यहाँ से पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसकी जो भी चीजें बात करेंगे, उसके बाद सेकेंड नियम के बारे में भी हम आज बताएंगे। तो उसने पहला नियम क्या दिया था कि विद्युत अपघटन के दौरान विमुक्त होने वाले किसी पदार्थ की संहिता मतलब मास यानी द्रव्यमान इलेक्ट्रोलाइट में से बहने वाले विद्युत की मात्रा के समानुपाती होती है। यानी किसी इलेक्ट्रोलाइट में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें जो उससे विमुक्त होने वाले पदार्थों की जो जो मात्रा होती है यानी द्रव्यमान होता है उसमें वह विद्युत मात्रा के समानुपाती होती है प्लस टी यानी समय के समानुपाती होती है, ठीक है। विद्युत मात्रा को चार्ज कहते हैं, विद्युत मात्रा को चार्ज भी कहते हैं। ऐसे क्यू से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और इससे मापते किससे हैं, मापते किससे हैं, कूलम्ब से। किसे मापते हैं, कूलम्ब से, ठीक है, कूलम्ब से मापते हैं, ठीक है। तो इस नियम के अनुसार जो आपका बनता है फार्मूला क्या बनता है, पहले हम लोग करते हैं क्या, एम बराबर हो जाएगा आपका आई टी, ठीक है। विमुक्त हुई पदार्थों की क्या होती है कि जो समानुपाती होती है, यानी एम बराबर हम कहेंगे पहले क्यू कहेंगे, ठीक है, चार्ज समानुपाती होता है, फिर एम बराबर आई टी हो जाएगा और आपका एम यानी मास बराबर हो जाएगा जेड आई टी, ठीक है। ये आपका टोटल फार्मूला बन के आता है इलेक्ट्रिक फैराडे के प्रथम नियम का, ये होता है आपका एम बराबर जेड आई टी। यानी विद्युत अपघटन के दौरान विमुक्त होने वाले किसी पदार्थ की संहिता इलेक्ट्रोलाइट में से बहने वाली विद्युत मात्रा के समानुपाती होती है, ठीक है। दूसरा नियम उसने क्या कहा है, दूसरा नियम है कि विद्युत अपघटन में विमुक्त विमुक्त होने वाले पदार्थ की विमुक्त होने वाले समान विद्युत मात्रा पर भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्रा उनके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। यानी दूसरा नियम क्या कहता है, विद्युत अपघटन में विमुक्त होने वाले समान विद्युत मात्रा पर भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्रा उनकी रासायनिक तुल्यांक यानी विद्युत रासायनिक तुल्यांक, हम इसे पूरा कहते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा m1 बराबर कहेंगे z1 और m2 बराबर कहेंगे z2, ठीक है। यानी या पहले हम लोग क्या कहेंगे, m बराबर ECE इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। ईसी का फुल मतलब होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो हमने दो नियम जो फैराडे के उसको हमने आपको बता दिए, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।